हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? सही होंगे। आज शुरुआत करने से पहले मैं जरा एक चर्चित विषय पे थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मेरे को नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा आज अपनी क्लास लेने से पहले तो कुछ बोल दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको बधाई हमारी संस्कृति की जो विरासत है। आज 5 अगस्त को भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का बहुत भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। मैं सभी आप सभी लोग को उसकी बधाई देता हूँ। परंतु मैंने कुछ अपने ही दोस्त थे, उनके सोशल मीडिया पे एक कुछ पढ़ा, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो इनके ऊपर कुछ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो लोग ऐसा लिख रहे थे कि अगर मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल या कुछ स्कूल वगैरह बन जाते तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ जाता। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आपकी बात सही है, लेकिन आप उसको और उसको दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकते हैं। वो अपनी जगह पर सही है और वो अपनी जगह पर सही है। आप इंटेलेक्चुअल बनिए, यानी कि अंधभक्ति करें। अंधभक्ति हमेशा समर्थन में ही नहीं होती है, अंधभक्ति अपोजिशन में भी होती है। आप उनका ऐसे नहीं कि आँख बंद करके विरोधी कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा काम भी है तब भी आप विरोधी कर रहे हैं, और अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और लेकिन कुछ सही कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट भी जरूर करिए। यानी कि अंधभक्तों की तरह आप उन्हें समर्थन ही करे जा रहे हैं, या अंधभक्तों की तरह उन्हें आप क्या करे जा रहे हैं, उनका अच्छे काम करने के बावजूद उनको गलत ही बताए जा रहे हैं। आप अब तो हम इस एज में हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और अगर आप पॉलिटी के छात्र होंगे तो आपने संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका एक टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपने जरूर पढ़ा होगा। पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, जिसमें 11 ड्यूटीज आपको दी गई हैं। उसमें एक ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 5, अगर आपने पढ़ी होगी मैं बता देता हूँ क्या है। वह है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप अपनी ड्यूटी को ऐसे नज़रअंदाज मत करिए, और कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें। ये नहीं कि आप उनको हमेशा ही गलत ही ठहराएं और अंधभक्त करके आप उनका हमेशा ही गलत वे में उनको ले जाएं। एक हमारे इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्हें अधिकार तो पूरे चाहिए, फंडामेंटल राइट तो इन्हें पूरे चाहिए, और उनका हनन होता है तो उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई भी करनी उन पर उनको चाहिए कि कार्रवाई हो, परंतु अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं कि उनको कर्तव्य भी उनके पालन करने पड़ेंगे अपने राष्ट्र निर्माण में। यानी कि सिर्फ अधिकारी दिए जाए उनको और वो अपने कर्तव्य भूल जाए। इस बारे में गांधी जी बहुत अच्छी बात करते थे। वो कहते थे, बिगन विद ड्यूटीज ऑफ अ मैन एंड राइट्स विल फॉलो एज स्प्रिंग फॉलोज विंटर। जैसे विंटर और स्प्रिंग दोनों साथ साथ आते हैं, मतलब स्प्रिंग के बाद विंटर आता है, उसी तरीके से पहले मैन को उसकी ड्यूटीज का अनुभव होना चाहिए, उसके बाद उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, परंतु मेरे को बोलना, किसी ना किसी को बोलना मुझको ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज किया। इसलिए इंटेलेक्चुअल बने, और मेरे से सहा नहीं जाता कि कोई भी राष्ट्र निर्माण में कोई अच्छा काम हो रहा है और आप उसके विरुद्ध बोलें, तो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, परंतु यही सत्य है और ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सो देखिए, राष्ट्र निर्माण में जितनी आपकी भूमिका है आप अदा कर सकते हो उतनी करिए, और अगर कोई राष्ट्र निर्माण कर रहा है तो उसकी बुराई ना करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अपना आप संयम रखें, और अपना जो आपके अंदर आपकी अभी तक इतने बड़े हो चुके हैं आप लोग, तो उसका यूज करिए, जो आपने पढ़ा है अपने संस्कार दिखाइए, यानी कि कुछ भी अनसंट आप बोल रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 20 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। 21 क्या कह रहा है, cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x equal to cot 3x। तो इसमें आपको मैंने जो ऐसा कल एक क्वेश्चन किया हुआ था, हमने इसमें पेयर सिलेक्शन करना था स्टेप 1 में, और फिर दूसरे स्टेप में उससे एक पेयर में से एक उसको कॉमन ले लेना था, तो हमारा आंसर आ रहा था। तो देखते हैं, LHS लेते हैं हम, cos 4x plus cos 3x plus cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। चलिए तो हम देखते हैं हम कौन से दो पेयर ले सकते हैं कि हमें तीसरा प्लेयर
मिल जाए, पेयर मिल जाए। देखिए अगर फोर और थ्री लेंगे तो वैसे ही ऑड आ रहा है तो पेयर मिलने की बात ही नहीं है, थ्री और टू लेंगे तब भी आपका ऑड आएगा तो मिलने की बात ही नहीं है। तो फोर और टू लेंगे तो फोर प्लस टू क्या होगा, सिक्स होता है अपॉन टू थ्री एक्स आता है। चलिए मतलब हमने ये और ये पेयर लेना है तो साथ में ले लेते हैं, इसको साथ में लिख लेते हैं, कॉस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स है ही। और नीचे अगर हमें वो करना है तो क्योंकि एंगल सेम है तो मतलब ये दो पेयर ही लेंगे हम, साइन फोर एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। चलिए अब आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बताइए? कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो फोर एक्स माइनस टू एक्स, टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स है आपके पास, अपॉन साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन c प्लस डी बाई टू करेंगे तो 3x और cos c माइनस डी बाई टू करेंगे तो x प्लस साइन 3x। तो देखिए अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, cos 3x ऊपर से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, cos 3x बचेगा। अगर हमने कॉमन लिया तो 2 cos x प्लस 1 अपॉन यहाँ देखे तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, साइन थ्री एक्स तो साइन थ्री एक्स तो टू कॉस एक्स प्लस वन। देखिए नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक ही वैल्यू आ गई तो ये कट हो जाएगी, टू कॉस एक्स प्लस वन टू एक्स कॉस एक्स प्लस वन आपके कैंसिल हो गई, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कट होता है और एंगल क्या है थ्री एक्स तो थ्री एक्स। और यही था आपका आर एच एस, देख लीजिएगा हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूप लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको ये पता चल रहा होगा कि स्टेप क्या है, पहला स्टेप ही आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको पेयर सिलेक्शन करना है। और पेयर सिलेक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि दो ऐसे पेयर, दो ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेने की तीसरा ऑप्टेन हो जाए और वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस के आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी में एक कॉस का आता है एक साइन का आता है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब है क्वेश्चन हमारा क्या 22। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो एक इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल में भी है, वो भी काफी बार पूछा जाता है और ये भी काफी बार पूछा जाता है, दोनों को करने की एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक है या एक ही मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एल एच एस लीजिए cot x cot 2x माइनस कॉट टू एक्स, ये दो स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें आपको याद रखना है कि स्टेप वन में क्या करना है, कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स। तो अगर आपने एग्जांपल किया होगा तो आपने देखा होगा, आपने एग्जांपल किया होगा तो आसानी से वहाँ भी एक जैसे ही था बिल्कुल। तो अगर हम देखें कॉट 3x का फॉर्मूला आपको पता रहता है, नहीं पता रहता है, cot 2x का फॉर्मूला आपको पता रहता है, पता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएं तो हमारा आंसर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगर हम सोचें कि cot x cot 2x cot 3x का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा और आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हम cot 3x को किस में स्प्लिट कर देंगे। देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल है आपको स्प्लिट करना है, अगर मैं बता दूं आपको याद कैसे रखना है तो आपका सबसे बड़ा एंगल क्या यहाँ पे 3x है, क्योंकि एक x है टू x है थ्री एक्स है। तो आप याद रखिए कि जो आपका सबसे बड़ा एंगल 3x है उसको आपको स्प्लिट करना है 2x प्लस x में, क्योंकि 3x इक्वल टू 2x प्लस x होता है ना। अब अगर आप टेकिंग cot बोथ साइड्स, अगर यहाँ भी cot लेंगे तो cot 3x आ जाएगा और यहाँ भी अगर cot लेंगे तो cot 2x प्लस x आ जाएगा। चलिए ये cot 2x प्लस x है। अब देखिए cot x प्लस y का फॉर्मूला आपको पता रहता है क्या होता है, cot x cot y माइनस वन अपॉन cot x प्लस cot y, बाहर से पटाखों की आवाज आ रही होगी, अच्छी बात है, दिवाली अभी से
सेलिब्रेट करी जा रही है। चलिए कॉट 3x ये है आपका। अब देखिए, अब आप एक नज़र आप अपने RHS में डालिए, आपको लाना क्या है, 1 लाना है। और LHS पे देखिए, आपको LHS पे क्या दिया है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x दिया हुआ है। तो हम देखते हैं याले क्वेश्चन में, स्पेशल दो क्वेश्चन है आपके, एक NCERT बुक का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है और एक है आपका एग्जांपल में। अब हम इसमें क्या करते हैं, सीधे हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये इसमें आपको एक स्टेप याद भी रखना है, ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि याद करना, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो आप आगे लेंदी बनाते जाएंगे क्वेश्चन को और आंसर नहीं आएगा। इससे बढ़िया आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और याद क्या करना है आपको, सिर्फ आपको अपना LHS देखना है, आपको LHS बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है, LHS बनाना है। जैसे अभी तक हम LHS सॉल्व करते RHS बन रहा था, इस बार हमें LHS बनाना है, इतना याद रखिए। तो ये देखिए, अगर हम cos मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cot x cot 3x आएगा, प्लस ये क्या है, ये 2x है, यहाँ पे क्या है, ये 2x है ना। और ये करेंगे तो cot 2x cot 3x आएगा, और इक्वल टू क्या है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा cot 2x cot x cot 2x cot आएगा, cot और cos में cot x माइनस 1। ओके, बस हमें क्या करना है, 1 लाना है ना RHS में, तो 1 यहाँ पे 1 तो है ही, तो इसको हम याली साइड भेज देते हैं और सारा वैसे ही लिख देते हैं। 1 हमारे यहाँ माइनस का, तो याली साइड भेजेंगे हम ताकि प्लस का हो जाए। तो cot x cot 2x है याली साइड, अगर इन दोनों को हम याली साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का cot x cot 3x, और ये भी प्लस का है तो यहाँ जाके भी माइनस हो जाएगा, cot 2x cot 3x, और याली माइनस 1 को याली साइड लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यही आपको प्रूफ करना था। तो क्या याद रखना था आपको इसमें, एक चीज़ याद रखनी थी कि सबसे बड़ा एंगल जो है 3x है, यहाँ पर 3x को स्प्लिट करेंगे, जो हमारे दो छोटे एंगल है x और 2x में, 3x इक्वल टू x प्लस 2x है, फिर cot लेना है। जैसे एग्जांपल में 10 है तो वहाँ 10 लेंगे, यहाँ cot लेना है तो cot लेंगे, फिर cot x प्लस y का फॉर्मूला बनाएंगे, याला स्टेप आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और आपका पूरा क्वेश्चन आपका जो आपको दिया हुआ है वो आपके पास होगा। ये दिया हुआ देख लेते हैं हम, ये दिया है ना, देखिए क्या दिया है, cot x cot 2x cot माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, आज को कंप्लीट करते हैं, फिर कल हम याले चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, 3.4 भी कल हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, टेन 4x इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे स्प्लिट का मैंने आपको फंडा बताया था कि स्प्लिट कर रहे हैं 3x को 2x प्लस x में, अब जितने आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं सब में क्या है, स्प्लिट वाला आपका स्टेप लगेगा, तो अच्छे से आप समझ जाएंगे कि स्प्लिट कैसे करना है। ये मिट भी नहीं रहा है, मिट जाओ मिट जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, टेन 4x इक्वल टू 4 10x ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। ये है आपका क्या क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, देखते हैं LHS। LHS में आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया, इससे RHS कैसे ला सकते हैं, ये दिमाग में आएगा, हम RHS लेते हैं और LHS करते हैं, लेकिन हमें LHS ही लेना है और स्प्लिट करना है। देखिए हमें टेन 2x का फॉर्मूला पता होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 2 × 2x लिख सकते हैं, जी जरूर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसको आप a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, क्योंकि tan 2a का फॉर्मूला पता होता है और a यहाँ पे क्या है 2x है, यह tan 2x का फॉर्मूला होता है, x यहाँ पे 2x है। अब मैं x इक्वल टू 2x कहूँगा तो आपको क्या लगेगा कि ये दूसरा x कहाँ से आएगा, इसलिए मैंने tan 2a का फॉर्मूला बता दिया आपको। उससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, आपको बस tan 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको tan 2x का फॉर्मूला पता है तो आपको tan 2a का उसका a रखना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x होता है, तो यहाँ पे x की जगह हमने a माना है, तो 2 10a अपॉन 1 − 10² होता है फॉर्मूला। ओके, अब देखिए a क्या है हमारा 2x है, तो रख दीजिए 2 10 2x आ जाएगा अपॉन 1 − 10² 2x आ जाएगा। आपको देख रहा होगा कि हमने जो आइडेंटिटी है वो दो बार लगानी है, इस बार पहले हमने tan 2x कहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया tan 2x का फॉर्मूला, अब यहाँ पे दो जगह tan 2x का फॉर्मूला फिर लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे, इक्वल टू 2 tan 2x क्या होता है, अभी बताया मैंने 2 10x
अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स आता, अपॉन है पूरा है डिवाइड, वन माइनस टू टेन एक्स स्क्वायर है तो टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर टू एक्स है। समझ गया आप यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली साइड से करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें अब तो क्या बचेगा, देखिए टू इंटू टू फोर हो जाएगा, यहाँ से करते हैं क्या आ जाएगा, फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया, अपॉन करेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का टू टेन एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फोर टेन स्क्वायर एक्स आ गया। आपके समझ में आई गया होगा, तो काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए टू इंटू टू फोर आ गया, टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड, चले टेन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इससे हमें वन माइनस करना है तो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो हमें उसको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने इसको अलग कर लिया तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया, अपॉन ये क्या आ गया एलसीएम आ गया, एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया, माइनस का टू टेन एक्स का होल स्क्वायर बचेगा वहाँ पर, तो माइनस के बाद क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने बात समझा दी आपको। अब देखिए अब क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स से ये कट जाएगा, क्योंकि ये इनटू ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं हम, फोर टेन एक्स और ये वाला जो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स है एक ही आपका पावर कटी तो ये बचा आपके पास वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन क्या बचेगा, ये बचेगा वन, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें कर दें तो वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स का होगा टेन के बाद फोर एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या होता है टू ए बी तो टू टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस का फोर टेन स्क्वायर एक्स तो आपके पास पहले से ही। अभी हमारा लास्ट स्टेप है, देखते हैं हमारा आर एच एस इक्वल आता है नहीं आता है। तो हमने फॉर्मूले का यूज करते करते एक छोटे से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेन फोर एक्स से कितनी बड़ी वैल्यू निकाल ली आप देख रहे होंगे, अपॉन अपॉन क्या है वन माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स माइनस का सिक्स टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और प्लस का टेन की पावर फोर एक्स, यही आपका क्या है आर एच एस है, आप देख लीजिए इस हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। समझ गए आप लोग, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो 23 क्वेश्चन भी हो गया आपका, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स, ये आपको क्या करना था प्रूफ, और हमारा आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें भी स्प्लिटेशन लगेगा जैसे इसमें लगा था, देखते हैं 24। देखिए कॉस फोर एक्स इक्वल टू वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो एल एच एस लेंगे कॉस फोर एक्स इक्वल टू जगह क्या, इसको हम ये आकर एल एच एस आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू इंटू टू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 4x को इक्वल टू cos 4x लिख लिया हमने। चलिए cos 4x इक्वल टू cos 2 इंटू 2x लिख लिया, अब आप क्या लगा देंगे cos 2x का फॉर्मूला, क्या लगा देंगे cos 2x का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे एक मैं चीज़ बता देता हूँ, cos 2x के क्या चार फॉर्मूले पड़े हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको RHS को देख के लगाना है। देखिए क्या लिखा है, वन माइनस लिखा है, वन माइनस कोई आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वन माइनस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन सा cos का फॉर्मूला आता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स आता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए सिंस कॉस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये अलग ही क्यों लगा मैंने आपको बताया, क्योंकि आर एच एस में हमें क्या निकालना है, वन माइनस करना है। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस वन होता तो हम टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन वाला लगाते, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लगाया। चलिए तो अगर हम इसमें अप्लाई करें तो देखिए कॉस टू एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था टू एक्स को ए मान लीजिए, मान लिया तो वन माइनस टू
cos स्क्वायर a कर देंगे, किसके इक्वल है, यह है आपका cos 2 इंटू 2x के इक्वल है, और 2x क्या है, a है, ऐसे करेंगे। चलिए इसको रब किया नहीं था, करते जाएंगे जैसे जैसे हम पेज में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब वैसे ही हमने जैसे वहाँ a की वैल्यू रखी थी, फिर a की वैल्यू लिखी है 2 cos स्क्वायर 2x, सॉरी फॉर्मूला की तरह लिख दिया, 1-2 sin स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 cos स्क्वायर ही माइनस होने देता है, और 1-2 sin स्क्वायर होता है, 2 sin स्क्वायर है, ठीक है, 1-2 sin स्क्वायर 2x लिख देंगे, ठीक है, 1-2 sin स्क्वायर 2x, इसको हम लिख देंगे 1-2 sin 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। sin 2x का फॉर्मूला बताइए, 1-2 क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, चलिए अभी पता है, और होल स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1-2 तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और sin x का sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये तो काफ़ी आसान सा आ गया, 1-8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यही आपको फाइंड करना था, ये आपको फाइंड करना था। आप देखेंगे इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर एच एस, एच एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, हो उसमें भी स्प्लिट जैसे हम करने में से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एल एच एस आपको दिया है cos 6x, cos 6x, तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, cos 2 इंटू 3x में, cos 2 इंटू 3x में, तो देखें cos 2x इसको क्या है, cos का फॉर्मूला, अब मैं फिर से आपको बताता हूँ, हम RHS के हिसाब से देखते हैं कि cos 2x के चार फॉर्मूले से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, cos 6x में हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया, फिर माइनस वन दिया हुआ है, यहाँ मैं RHS दिखा रहा हूँ, पहले हमें क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, फिर माइनस वन दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें माइनस वन आए बाद में, अभी हमने लगाया था जिसमें वन पहले आ रहा था, 1-2 sin स्क्वायर है, तो अब हम कौन सा लगाएंगे जिसमें माइनस वन बाद में आएगा, वन बाद में आएगा, तो वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस वन होता है, cos 2x का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का, ठीक है, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके बाद माइनस वन है, मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए cos 3x, cos 2 इंटू 3x, तो हम यहाँ पे a है हमारा क्या, 3x है, तो क्या लिख देंगे हम, cos 2a इक्वल टू, आइए बताइए, 2 cos स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, उसके बाद 2 cos स्क्वायर 3x माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि a क्या है आपका, 3x है, चला गया 2 cos होल स्क्वायर, और cos 3x का फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा, बताइए क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है आपका 4 cube x माइनस 3 cos x, फॉर्मूला याद जरूर कर लेते होंगे। चलिए अब हमें अभी का होल स्क्वायर खोलना है, 2 क्या आ जाएगा, 14 cos 6x, और प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर करेंगे क्या है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 cos स्क्वायर का भी होता है, तो 4 3 12 12 24 और 3 ए पावर है, और ए की पावर ऐड होगी तो क्या करते हैं, अंडर मल्टीप्लाई करना आपका आंसर cos एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आपने देखा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 22 के बाद 21 के बाद शुरू हुए, कैसे करें फॉर्मूला अप्लाई करें, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आज वाली वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर 3.4 कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और बायो के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू मस्ट वॉच दिस चैनल, काफ़ी अच्छे से बायो पढ़ाई जा रही है वहाँ पर, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।